तो वहीं दक्षिण अंडमान जिले में नागरिक सेवाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है। कल दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में मीडिया को जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त वीके विधूरी ने बता दिया आपको कि ये कहा है कि अगले वर्ष 1 जनवरी से 9 सेवाएं सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगी। इनमें स्थानीय और वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र, बेरोजगार और आय प्रमाण पत्र के अलावा बिजली और पानी के लिए अवापारित प्रमाण पत्र, नो ड्यूज, नॉन इनकम्बेरेंस तथा वास्तविक प्रमाण पत्र शामिल है। इन सेवाओं के लिए फाइल निगरानी प्रणाली भी आरंभ की गई है। श्री विधूड़ी ने यह भी कहा कि सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ई स्टैंपिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। इस अवसर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट सुश्री मिताली गोयल ने बताया कि द्वीप पंजीकरण और सूचना प्रणाली में सुधार करके इसे और आसान बनाया गया है। तो चलिए इसी के साथ इसे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।